आप देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड डायरेक्शन यूट्यूब चैनल, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आलोक सर की वीडियो है, तो आप तो आई थिंक हमें कोशिश हम करेंगे आप इनकी हर वीडियो पर रिएक्शन करें, पर एक कभी एक उठा लेते थे, कभी दो उठाते जरूर है जरूर थे, लेकिन आप इनकी डेली की वीडियो पर डेली रिएक्शन होगा। हम भी अपने डार लगा कर बैठे हैं। खैर वीडियो का टाइटल भी बड़ा मजेदार है कि पाकिस्तानी बोला कोई काफर जहाँ मिले उसे मार दो। ओके देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है काफर जहां मिले वहां मार दो, अटैक ऑन मुजम्मल कुरैशी। अच्छा जी, बड़ा अटैक हो रहा है आजकल यार सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर, कभी शोएब पर, कभी मुजम्मिल पर, कभी कुछ पर, कभी किस पर, सब पर अटैक ही हो रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं भाई क्या कहा जा रहा है। भाई सर एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है, सुने जरा। बजट में 5408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड, सोचिए। आप बताएं अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो, अगर हमारे साथ तलुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर नहीं दे सकते? नहीं दे सकता, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिना वजह कोई फंड देता है। कोई भी आम इंसान ने किसी को 10 रुपये नहीं देता, अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से, आपके लिए वो आपके अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है अफगानिस्तान में भी, आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो जश्न मनाया था कि भाई जब तालिबान के रिजीम आई थी अफगानिस्तान में तो आप लोगों ने तो जश्न मनाया था, पाकिस्तानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि हमने अफगानिस्तान में इंडिया का नेटवर्क उखाड़ फेंका, इंडिया को बाहर कर दिया, सारी इन्वेस्टमेंट डुबा दी। अब क्या हुआ, इतनी जल्दी पलट गया मामला? ओ आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। सर हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुन ले, हमारी हिंदुस्तान की उनकी इकोनॉमी $5 trillion की इकोनॉमी है और उनके रिजर्व $600 billion की है। आप मुझे बता, हमारी $350 billion की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 7 billion से वो भी किसी से मांग तांग के लिए हमें। आप मुझे बताएं तो क्या हम इनका इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कुल है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में, जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है अल्लाह उसकी मदद करता है, और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गद्दार हैं, मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गद्दारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गद्दार हैं, इसलिए गद्दार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप $1 billion की इकॉनमी, ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता, वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से अपनी दफा इतनी है, आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है, सबके सब उनके शहर तुम्हारी रेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम किसी भी जगह पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास आपके निशाने पर हमारे सारे शहर हैं और हम तो यहाँ डफली बजा रहे हैं, हमारी मिसाइलें तो दिखाने के लिए हैं, शोपीस में लगा रखी हैं हमने,
दिवाली के दिन उड़ाएंगे हम उनको, पटाखे छोड़ेंगे दिवाली के दिन, है ना। बड़े भोले हैं पाकिस्तानी। अच्छा, बड़ा जज्बा है आप लोगों के अंदर। तो वो 93,000 कौन थे भाई? वो पाकिस्तान की फौज नहीं थी? 93,000 वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ा सरेंडर अगर दुनिया में किसी ने किया है तो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, 93,000 का सरेंडर। तब कहां थी सारी चीजें? तब कोई ऊपर से मदद के लिए नहीं आया? कैसी बातें करते हैं आप लोग, बहकी बहकी। मिसाइल से याद आया, वो अभिनंदन को पकड़ा था ना आप लोगों ने, याद है ना? तो आपके जो फॉर्मर पीएम थे पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे कि मिसाइल अटैक करने वाला था इंडिया। सुनिए, अब मुझे यह भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और इसी वजह से आपके पार्लियामेंट में आपके ही एक लीडर ने बताया कि मिसाइल अटैक के डर से जनरल बाजवा के माथे पर पसीना था। अब जनरल बाजवा था या जो भी था, और उसके पैर कांप रहे थे। सुनिए, और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब आप कहेंगे जी ये तो गद्दार है, मैंने तो कहा ही था कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा गद्दार होते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा था, भाई मुझसे मत कमेंट में मुझे गालियां देना, इन्होंने कहा था। ये कह के आप बच नहीं सकते। हमारे पास छोटे से छोटे आइटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है, छोटे बम से डरता है जो 300-350 के रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है, तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की? सर, उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ, एक आग से निकाला हुआ है। अच्छा। हमारा उनसे बेहतर है, ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, और जंगे बदर का वाकया देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं क्या हम वाकई में मुसलमान हैं जो कि हालात है? पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप एक मुझे बात बताएं, हम 71 में भी 71 से पहले भी ये कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्कत है, हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवा दी है, हमारी यही गलत फहमी। अभी हमें हम अपनी मदद नहीं कर रहे, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ, बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पर ये मुशक्कत रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। बंगला अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है, आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक, ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, लेकिन तो भाई जब आगे कोई आपको थप्पड़ मारे तो पलट के थप्पड़ मत मारना, क्योंकि उसी हुक्म से उसने आके तुम्हें थप्पड़ मारा है। कोई आके तुम्हारा मर्डर कर दे तो भाई उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट मत लिखाना, क्योंकि उसी के हुक्म से भाई उसने मर्डर किया है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग भाई? अपनी ही बातों से अपनी ही बातों को अपना ही मजाक उड़वाते हैं। लेकिन ये होना चाहिए मान, लेकिन इन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फर्क पड़ता कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो खुआ रहे हैं यहाँ पर, हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में,
बताएं इज्जत किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज्जत अल्लाह ताला फरमाता है और हजूर नबी करीम फरमाते हैं नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके उसकी पैदावार हैं, उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया। और बेहतर ये है कि हम लोग जो आपके दो हाथ हैं कि चार हाथ हैं, दो आंखें हैं कि चार आंखें हैं, दो कान हैं कि चार कानें हैं, एक दिल है कि दो दिल है, एक दिमाग है कि दो दिमाग है, दो किडनी है कि चार किडनी है, दो पैर हैं कि चार पैर हैं, मतलब कैसे बेहतर बनाया, मतलब मैं समझना चाहता हूं कैसे। आपका खून लाल है या हरा है, कैसे बेहतर बनाया बता दो तो भाई, कुछ तो बताओ कैसे बेहतर बनाया। तो एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा, ऐसे मुल्क हैं, ज्यादातर अमीर कम है गरीब। सल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान पसंद है जिसके पावर, जिसके पास पावर ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल है। अब हम मुझे बताएं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ना पैसा हमारे पास है ना पावर हमारे पास है। दुनिया चाहे, दुनिया आजकल आपने कहा एटम बम, हमारे पास सबसे अच्छे एटम बम है। सर एटम बम की तो जंग रही नहीं ना, इकोनॉमी की जंग है। आपके पास पैसे ज़्यादा, आप तो जंग ऑलरेडी जीते हुए हैं। आप पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को आप अपने कायल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा पावर से, जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को घुमा रहा है, जिसको चाहे अच्छा बना दे जिसको चाहे बुरा बना दे। आज इंडिया भी उसी रेस में है, चाइना के साथ वो कम्पीट कर रहा है। सुपर पावर है या नहीं है इंडिया इस रेस में? हम यहाँ पर इस बात पर बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल हैं, मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर, अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। वो चांद पर चले गए, अपने मिसाइल को चांद पर पहुँचा दिया उन्होंने, यहाँ पर बैठे चांद पर चले गए। लेकिन एक बात याद रखें, पहले भी मैंने बद्र का वाकया बयान किया आपके साथ, वो 313 थे मुसलमान, सहाबी थे, आज भी जिंदा हैं लोग, आज भी अल्लाह वाले जिंदा हैं। अगर अल्लाह वाले जिंदा हैं तो आज भी याद करें कि अल्लाह की मदद आ सकती है। तुमने कहा कि 71 की जंग, 65 की जंग को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, कि वो लिखने वाले लिख रहे हैं कि देखो एक लश्कर आ रहा था ये रावी वाली पुल पे, उन्होंने कहा, जंग वाले ने, पैलेट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया पुल, तो मैंने देखा कि 6 पुल बने हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ो, 6 पुल बने हुए हैं और घोड़ों की एक फ़ौज आ रही है, चमकती तलवारें हैं, वो हमारे फौजियों के साथ जंग लड़ते हैं। और उन्होंने दिफा की, जब हम जब बम फेंकते थे ना तो ऐसे भी झोली में डाल लेते, आज भी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फतह हमें नसीब हो सकती है अगर एक भी मुसलमान जिंदा है। क्या बोलूं मैं इस पर, बहुत बड़ी वाली अफीम है भाई, बहुत बड़ी वाली अफीम है। पाकिस्तानी मीडिया की ही रिपोर्ट कहती है, मैं समझ गया, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग नहीं जीती थी, पाकिस्तान ने 1965 में प्रोपेगेंडा की जंग जीती थी। और देखिए इसका जीता जागता सबूत, ये जो प्रोपेगेंडा फैला के जो दिमाग में भर दिया गया, इसका सबूत देखिए कि घोड़े पे चमकती तलवारें आई थी और बम झोले में गिर रहे थे। ओह ये तो लाल टोपी वाली बातें कर दी यार, जैद हामिद वाली यार, कसम से भाई वाह, तालियां इन भाई साहब के लिए। और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया था, आग अगर इंसान के अंदर एक राई के दाने का में ईमान हो तो ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको कहे ना झुक जा तो ये कदमों में आ जाएगा, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे वो करोड़ों पति, अरबों पति, खरबों पति, या वो मेरे जैसा गरीब हो। आप मुझे यार ये बातें सब जानते हैं तो दरख्तों को झुका क्यों नहीं लेते भाई आप लोग, एक राई के बराबर भी ईमान नहीं बचा आप लोगों में, सोचने वाली बात है ना। बात बताए एक लास्ट है, हमारे पास क्या ईमान इतना है? आप मुझे एक बात बताइएगा, आप जब से इंसान को भेजा है, जब से इंसान को सूरत अल-तीन पढ़े, जब से इंसान को भेजा है दूसरा दिमाग फिक्र वाला डाल दिया है अल्लाह ने, पहले जन्नत वाला था, आप सोते हैं ना रात को ऐसे हवा में उड़ते हैं फिरते हैं, हो सकता है कि आप रात को भी इंटरव्यू कर रहे हो, आपको वो दिमाग जो जनती है वो आज़ाद है फिक्र से, ये जो है फिक्र के साथ दिमाग बंधा हुआ है हर इंसान का, मैं हूँ, ये भाई साहब है, ये कैमरा मैन है, सब सब का अल्लाह ने बांधा,
चाहे वो मुल्क है, ये मुल्क है, सारे मुल्क, ये तो हद बंदियाँ बनी हुई हैं, पहले तो कोई हद बंदी नहीं थी। लेकिन चले अभी लास्ट पे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें, क्या मतलब को सुलह कर लें, जो कि हमने देख लिया जंगे भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें? मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के में? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है, मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। गलत नहीं है कुरान पाक की बात, हाँ बहरहाल ठीक है, गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जंग लड़ने के लिए आप सरकार को कहा था तो जंग हुई, सिचुएशन के ऊपर थी, उस सिचुएशन के ऊपर आप मुझे बताएं, बताओ मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ट्रेड नहीं की, उनके साथ लेन देन नहीं किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के साथ, उनको फतह करने के बाद उनको छोड़ा, पहले भी करते रहे, लेकिन मानने की बात है कि बात बताएं, आप ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, लोगों को मुतासिर किया, उसके बाद लोगों ने, आप बात बताएं, आपने कहा कि कफार को कहां देखो वहां पर मारो, काफर के साथ जब हद से बढ़ जाती है, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि उनके साथ हमें सुलह कर लेने चाहिए, तो आपने कहा जी कि काफर के साथ सुलह नहीं हो सकती, ये सोच सही है नहीं थी, इसी सोच की वजह से तो हम पीछे मान लेते हैं, ठीक है वो भी बात आपकी बेहतर है, बिल्कुल आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पहले चाहिए कि हम जंग ही करनी, जंग बेहतर क्यों करनी है, जंग के लिए हमारे पास है क्या, खाने के लिए कुछ है नहीं है, के वसाइल नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अगर सुलह के साथ ही मामला चलता है तो इससे बेहतर कोई भी नहीं, मतलब जिस दिन वसाइल हो जाएंगे ना उस दिन तो जंग कर देनी है, उस दिन काफर जहां मिले वहां पे, है ना, इस माइंडसेट की बात करता हूं मैं, ये पाकिस्तान में कूट कूट कर भर दी गई है, अरे पाकिस्तानियों संभल जाओ, ये तुम्हें ही मार रही है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, 75 ईयर्स में ना हमारा कुछ बिगड़ा, ना आगे बिगाड़ पाओगे 75,000 साल, अपना बिगाड़ रहे हो तुम लोग, अपनी नस्लें खराब कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो, जंग के चक्रों में तो हमने बांग्लादेश से अलग हो गए हैं, बांग्लादेश जंगों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये सोच से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि वो दुश्मन है, वो कफारों से दोस्ती नहीं हो सकती, मेरे नबी ने दुनिया में मिसाल कायम कर दिया ये कह के कि हर मुल्क के साथ ट्रेड की, ना देखा कफार ना देखा यहूदी, यार जब आपका फायदा है, दुनिया का कानून है कि आप अगर दूसरे से खुद को अफजल रहे समझेंगे तो आप नहीं रहेंगे, हमने सबको इक्वल लेके चलना, वो सबसे बराबर की और सबसे अच्छी चीज ये इखलाक, हुस्ने इखलाक, अगर इखलाक के साथ सारा कुछ जीता जाता है तो फिर तो मसला ही नहीं है, पहले जो आपने स्टेटमेंट दी आप उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वो भी बात तो दुरुस्त है, ये कौन से बात, दुश्मन के साथ दुश्मन जो है ना, अगर वो आपसे एक तो आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता, वो दौर की बात करूं तो फिर तो दुश्मन के साथ जंगी है, देखा मतलब कलमा पढ़ो और मुसलमान बनो नहीं तो तुम दुश्मन हो, ये है नहीं के साथ अगर सुलह कर ली है तो फिर एग्जांपल का नॉन मुस्लिम आता है, यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता, वो कहता कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करता, सुन ले यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता, वो कहता मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, मुझे मेरा मजहब अच्छा लगता, फिर तो फिर उसके हाल पे भी छोड़ा जा सकता है, हर सूरत में जंग ही तो नहीं है, जंग का मसला तो नहीं है, यही तो बात करनी है, ये बात बेहतर है, इस्लाम जबर का नाम भी है, इस्लाम के दीन में ना कोई लचक नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान कर ले, उसको दावत दें अपने अखलाक के साथ अपने ईमान के साथ कि वो आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ले, फॉर एग्जांपल ये नॉन मुस्लिम भाई है, ये मेरे साथ अगर इस्लाम लेता मैं कहता हूँ चल पीछे तू गैर मुस्लिम है, वो कभी मुझसे मुतासिर नहीं होगा कि मुसलमान ऐसे हैं, हालांकि मेरे पास आए मैं इसको गले लगाऊँ वो परेशान हो जाए कि ये मुसलमान है, उनका अखलाक मुसलमान बनकर ऐसा हो गया है, तो कैसा दीन होगा ये कि मैं गैर मजहब का हूँ लेकिन मेरे साथ इस तरह से मिल रहा है जैसे अपने भाइयों को मिल रहा है, वो मुतासर होकर हमने हिंदुओं को आज हमने ईसाइयों को अलग किया, ईसाइयों के लिए स्पेशल नौकरियां रखी चूड़ों की अस्पतालों के अंदर साफ सफाई करने की, अच्छा ठीक, इसका उल्टा अगर कोई करे, आपके यहाँ कोई नॉन मुस्लिम आए और वो बड़ा अच्छा इखलाक दिखाए गले लगे तो एक मुसलमान क्या उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बताओ, ठीक जो ये भाई ने बात कही ठीक, इसका उल्टा मैं दूसरे धर्म पर लागू कर दूं तब तो
जो काम आप करोगे वही काम वो भी करेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? दिक्कत है तब आप उसको लिंच कर दोगे, ये प्रॉब्लम है। आप करो तो ठीक, सामने वाला वही काम करे तो गलत, प्रॉब्लम ये है। अब मुझे वो गैर मुस्लिम ही रहे हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबको सबको इंसाफ दिया जाता है, सब बराबरी में। अब आप बताएं तो कोई भी नहीं ना छोड़। नहीं नहीं ये बात है, आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल कर देख ले, मुझे कोई एक इंसान दिखा दे जो मुसलमान हो और किसी गैर मुस्लिम की बातों में आकर या उससे मुतासर होकर गैर मुस्लिम हो गया हो। मैंने हज़ार लोग देखे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों का अखलाक ईमान देखकर मुसलमान हो गए, देख कर ही तो मुसलमान हुए हैं। और मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हजारों सबूत दे सकता हूँ कि लाखों लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? लाखों लोगों ने छोड़ दिया। हिंदुइज्म में भी लोग छोड़ते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी लोग छोड़ते हैं, बौद्धिज्म में भी लोग छोड़ते हैं। भाई सबका इंडिविजुअल मामला है ना यार, आप उसको ऐसी चीजों को क्यों जोड़ रहे हो आपस में? कमाल है। और पहले कितने थे मुसलमान? आपने तारक बिन ज़िया का वाक्य सुनिया? मेरे ख्याल से आपने तारक बिन ज़िया का वाक्य सुना होगा कि मुसलमानों की तादाद कम थी, स्लीपी ज्यादा थे, उन्होंने हमला करना था मुसलमानों के ऊपर। जो तारक बिन ज़िया ना, वो मुसलमानों का सिपा सलार था। अब उनको पता था कि ये मुसलमान कम है, ये बजाय कि भाग जाए मुसलमान स्लीपी हम पर हमला कर हम मारे। चल छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो कुल जमा देखिए, बात माइंडसेट की है, बात आपके नियत की है, बात आपके वसूल की है। आप लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आप झूठी शान में जीते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने किया वही सच है, और जो सामने वाला करे तो उसको कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये झूठ है। तो सबसे पहले दिक्कत यहीं पे, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे शुरू होता है? कॉन्फ्लिक्ट वहां पे शुरू होता है जब आप कहते हैं कि मैंने ही जो बात बोली है वो सच है, तुम जो बोल रहे हो झूठ है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे शुरू होता है, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और को मानते ही नहीं हो। तो जब नहीं मानोगे तो सामने वाला भी यही अप्लाई करेगा, वो भी बोलेगा कि नहीं मैं अपने वाले को मानता हूं, बाकी सारे झूठ हैं। तो जो आपने किया सामने वाला भी वही करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। मामला तो तब बनेगा जब को एग्जिस्टेंस में विश्वास करोगे, आप साथ रहने में विश्वास करोगे, साथ रहकर आगे बढ़ने में विश्वास करोगे। और सऊदी अरबिया, यूएई जो बड़े मुस्लिम देश हैं, जो पुराने मुस्लिम देश हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम देश हैं, वो ये समझ चुके हैं, इसीलिए आज वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए आज वो चीजों को ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं सऊदी अरबिया में MBS ने क्या क्या चीजें बदल दी, सुनिए। Men and women in Saudi Arabia can dance together in all-night concerts organized across the kingdom. Classrooms can now have both boys and girls receiving education together. Today, overtly hardcore religious curriculum has been replaced with a Saudi-first education. Saudi Arabia will no longer fund mosques and Wahhabi educational institutions in other countries. The Saudi religious police, which not until very long ago was responsible for upholding morality in the kingdom's society, has witnessed a remarkable cut down in its authority. Saudi Arabia is expected to normalize ties with the Jewish nation of Israel soon. When done, it would mark the most remarkable watering down of Saudi Arabia's long-held hostility towards the idea of a Zionist state in the Middle East. आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि मेरा देश प्रोग्रेस करे, रेडिकलाइजेशन को कम किया जाए, वाहिज्म को कम कर रहे हैं, मॉरल पॉलिसिंग को कम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि वक्त के साथ बदलना पड़ेगा बॉस, वरना दुनिया में आप पिछड़ जाओगे, आप पाकिस्तान बन जाओगे। जो हालत पाकिस्तान की सोसाइटी की हुई पड़ी है, कौन चाहेगा पाकिस्तान बनना? इसीलिए वो चीजों को बदल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, और जब तक समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। जाहिल जनता समझने को तैयार नहीं, जाहिल जनता मानने को तैयार नहीं, और आपके यहां 90% प्लस जनता ऐसी है। अरे जब काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी है, उनके साथ नहीं करना है, तो आप क्यों बंद कर दो सारी चीजें आपस में? आप लोग 55-56 इस्लामिक देश हो ना, आपस में कारोबार करो, आपस में खरीदारी करो, आपस में बेच करो, आपस में सब करो। दूसरे देशों की जरूरत आपको क्यों है जो नॉन मुसलमान देश है? उनसे हर तरह के संबंध आप तोड़ लो, है हिम्मत तो करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा मोबाइल,
नॉन मुस्लिम का इजाद, टीवी नॉन मुस्लिम का इजाद, माइक जिससे शूट हो रहा है, कैमरा सब नॉन मुस्लिम से इजाद किए हैं। छोड़ दो इनको करना, क्यों कफार की चीजें यूज कर रहे हो? कपड़े तक तो तुम लोगों ने इजाद नहीं किया भाई, बंद कर दो ना, नंगा घूमना पड़ेगा भाई। इस माइंडसेट को हटाइए, साथ में लेकर, साथ चलकर, एक साथ चलकर चलने की नियत बनाइए। दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरों को आदर देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी आदर मिलेगा। लेकिन दूसरों के खिलाफ काम करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो सामने वाले भी आपको नीचा दिखाएंगे। सिंपल है, टिट फॉर टैट होता है। और कोई किसी से कम नहीं है इस दुनिया में, अगर कोई किसी से कम होता ना तो अब तक तो पता नहीं क्या हो गया होता। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी, वीडियो भी खत्म। वीडियो बड़ी मजेदार थी, शानदार थी, बड़ी बातें लोग सर ने भी की, बड़ी बातें वो मेरे चाचा भी समझे, भाई समझे, जो भी है, खैर उसने भी बड़ी बातें की। लेकिन उसने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अजीबो गरीब भी कर दिया अपने ना, मदार ओवर कर गया, मदार से बाहर चला गया, बात पूरी करने नहीं आई, उसको नहीं करनी है जो उसको करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जहां काफर मिले वहां मार दो, ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं कहा उसने श्लोक के साथ। एक मिनट रहमतुल्ला, ये चीजें जो ना, ये पाकिस्तानी जो लोग हैं या आलोक शाह जो कह रहे हैं कि आपको ये पढ़ाई गई है, आपके जिन में डाल दी गई है, ये ऐसी बात नहीं है। हमें कहीं भी नहीं बकागा कि जहां काफर मिले वहां मार दो। अगर कहीं ये चीज है, मैं पहले बता चुका हूं, इसका मैं हवाला पीके फिल्म से दूंगा। पीके फिल्म में जिस तरह उसने कहा था ना कि एक लफ्ज है लेकिन जब उसको अदा किया जाता है, ये समझने वाले समझेंगे, जब उसको अदा किया जाता है वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब उसका रेफरेंस कंटेक्स्ट देखा जाता है, कभी किसी पैराग्राफ में जब वो इस्तेमाल होता है कभी और मीनिंग निकलता है, कहीं इस्तेमाल होता है तो कहीं और निकलता है। सेम इस तरीका अरबी भी है, अरबिक जुबान भी इसी तरह। अब एक वो पीके फिल्म इसलिए मैंने बोला था कि एक लफ्ज उसने अच्छा बोला था, अब अच्छा के कितने उसने एक्सेंट बताए, कितनी उसकी ट्रांसलेशन की, सिर्फ एक लफ्ज अच्छा इस्तेमाल होता है। मतलब उसने बताया कि जब हमारा लहजा चेंज होता है तो उसके लिहाज से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका रेफरेंस कंटेक्स्ट चेंज होता है तो उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सेम इस तरीके से कितनी ऐसी अहदीस हैं, कितनी ऐसी कुरान शरीफ की आयात हैं जिसकी रेफरेंस कंटेक्स्ट चेंज होने की वजह से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये पाकिस्तानियों को और हमारे उलमा कराम को ये चीजें नहीं समझ आ रही। और एक जगह तो यह भी फरमा दिया गया है, हर मीनिंग, हर जो लफ्ज है उसके मीनिंग है, एक जाहरी मीनिंग है, एक बातनी मीनिंग है, एक जो लोग जानते हैं वो मीनिंग है, एक जो लोग नहीं जानते वो मीनिंग है, और जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ अल्लाह के हबीब और उसके सहाबा कराम या अल्लाह के नबी को बता दे वो मीनिंग है। आप इस पर ये चीजें कह देना, आप जब नई चीजों को समझ सकते तो उस पर ये कह देना कि आपने आप इस्लाम में ये बात है तो उसका रेफरेंस कंटेक्स्ट देखना है आपने, उसका एक्सेंट देखना है आपने, तो वो अदा किस लिहाज से हो रहा है, ये बात होगी। अब बात कर रहे हैं आलोक सर जो ना, वो मेरे सामने वाले भाई जो है वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वो झूठ बोल रहा था कि जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, झूठ है। आप कह रहे इतनी बड़ी नुकसान भरी बात कह रहे, वो झूठ कह रहा था, अल्लाह के हुक्म से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। हुक्म और चीज है, इजाजत और चीज है। अल्लाह की जात ने इंसान, मैं ये खुदी प्लेटफॉर्म नहीं लेकिन मैं उसकी करेक्शन और आलोक सर की, आलोक सर ने उस चीज को उसी नजर से देखा जिस नजर उस जहल ने बयान कर दिया। अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, अल्लाह की जात ने इंसान को बनाया, उसमें मतलब बुराई का और अच्छाई का दोनों चीजें रखी और इजाजत दे दी, ये रास्ते जाओगे तो भटकोगे, छितर खाओगे, ये रास्ते जाओगे इज्जत पाओगे, कामयाब। मतलब है कि अल्लाह पाक ने ना हर चीज मुसलमानों के लिए स्पेशली जो है ना एक लिमिट, यार पूरी दुनिया के लिए नहीं, मुसलमान इस्लाम से मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं नहीं, जो इस्लाम में दाखिल होता है वो एक लिमिट होती है उसकी, दायरा उससे बाहर नहीं जा सकता, ये बात है मुक्सर। हाँ,
तो बाकी जो मजहब है उनका अपना क्राइटेरिया है, उनकी क्या लिमिट है। तो इस्लाम की यही लिमिट है कि एक हद में रह के एक काम होता है। तो जो जैसे अंकल ने बात की है, अंकल मुझे तो लगता था ऐसे ही बस ऊट पटांग सी बातें कर रहे, इतना नॉलेज भी नहीं था और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इतनी खैर कोई कह रहे कि वैलिड बातें जो है ना वो उन्होंने नहीं की। हुक्म से नहीं हो रहा सारा कुछ अल्लाह के। दूसरी बात की लोग सर ने कि आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि आप हमसे मतलब मुसलमान बातें बेहतर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका भी क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि हमें आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम बेहतर है कि नहीं है। जिस तरह वो है ना जो बेहतर होता है वो बोल कर नहीं दिखाता। मैं तो यही मैं भी अपनी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, ये तो फैसला होगा डे और जजमेंट जजमेंट पर। उस दिन फैसला होगा, उस दिन सभी को पता चल जाएगा कौन बेहतर था और किस वजह से बेहतर था, किस वजह से बेहतर था। वजह भी लोग सामने पूछी है। हमारा अकीदा आपका अकीदा अपने साथ, मैं अपना अकीदा जो रखता हूँ वो है हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की वजह से। और कोई हमें कोई गुरु नहीं है, कोई नेकी कोई हमारा अमल नहीं है, सिर्फ एक जात की वजह से है। हम हमारा ये अकीदा है उस जात की वजह से हम अगर हैं तो उस जात के सदके ये सारा कुछ है। और ये हम इधर साबित नहीं करेंगे, ये साबित होगा डे ऑफ जजमेंट पर। इंसाफ नहीं पता पता चलेगा कौन खरा था और कौन खोटा था। और शायद दुआ है कि कभी उधर आलोक सर से मुलाकात हो जाए। उधर आलोक सर कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, वो उनका अपना अकीदा है ना, उनके अकीदा में मैं नहीं बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये तो उस दिन पता चलेगा। हमारी बात हम ये नहीं कहते कि हमारे अमाल अच्छे हैं या हम कोई हो सकता है नामी ग्रामी कोई है। गए गुजरे हैं ठीक है ना, लेकिन सिर्फ एक वजह है वो बता दी मैंने, इस वजह से हम मानते हैं। और इस पर सॉरी टू से मैंने ये आलोक सर को रिप्लाई किया है और साथ रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वही बात जो इमरान खान साहब ने की थी कि जब आप हमारे दीन या हमारे नबी पर उंगली उठाते हैं तो इधर दर्द होता है इधर। तो प्लीज खुदारा कमेंट्स में गलत गलत मजहब के लिहाज से, आज तक मेरे मुंह से कभी हिंदुइज्म के बारे में कोई चीज लफ्ज गलत लगा, कभी कमेंट कभी कुछ बोला, कभी नहीं बोला मेरी बात सुने हमने कभी हिंदू मजहब के बारे में, बल्कि किसी मजहब के बारे में। और वो जो कमेंट्स में करते हैं लोग साहब पर ये बयान मेरी बात ले जाए तो रिक्वेस्ट करें अपने हिंदुइज्म सनातनी एक मिनट है वो मानते हैं जो असल सनातनी अपने आप को मानते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये बातें ना करें। आप ये जो कमेंट्स में गल निकालते हैं मजहब को या दीन को, इससे आप अपने दीन या अपने मजहब का ही अपनी तालीमात शो करते हैं। मैं अंकल लोग से कहना चाहता हूँ, मैं सर नहीं कहूंगा जब तक चले बात करें नहीं कहूँ। मैं कहता हूँ कि आप हमसे जो है ना लाइव रब्ता करें, फिर हम आपसे आप क्यों रब्ता करें, मेरी बात तो सुने आपसे आप रब्ता क्यों करें, आप क्रेडिबिलिटी क्या मुझे ये बताओ, ये तुम क्यों कहते हो आपसे रब्ता, तुम कर दो इसकी क्रेडिबिलिटी है। ये अलोक के भतीजे लगते हैं ना, चूंटी का मुकाबला किया जा रहा है हाथी से कमाल, और चूंटी क्या रही है आओ हाथी मुझसे लड़ो, अच्छा हाथी कमाल रहमतुल्ला तुम्हारी बात भी। यार मुझे तो उनका नहीं पता, मुझे आप मैं आपसे हैरानी है लाइव आके अच्छा लाइव भी आ गए तो तुमसे क्यों करें मेरी बात। हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते हैं कि आप किस तरह हमारे दीन को जो है उछाल रहे हैं और आपके जो हिंदुइज्म के लोग या मतलब इंडियन जो लोग यार तो जो बात होगी ना मतलब वो मैं क्या दिखाना चाहते हैं, मैंने जो कहना था वो कह दिया उससे ज्यादा। अब ये दीदी को प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं गुरेज करता हूँ इस तरह, लेकिन टॉपिक ये था मजबूरन करनी पड़ी कि कहां जहां मिले वहां मांगू, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर चुका पहले आपकी आपके हिंदू की इंडिया की मूवी से मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की। ऐसे सेम इस तरीके से ये अभिनंदन क्या जब पकड़ा गया था तो उस पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी भी थे वो भी बातें कर भाई खान साहब ने ये चीज एक्सेप्ट की है कंपर मजाले टाइप ने मैंने किया तो भाई बेदर वो तो बाद में मानता हूं, लेकिन जो अयाज सादक है उसने भी तो ये अगर खान साहब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कहां पर मसाला अटैक होने वाला तो ये भी तो हो सकता है कि अपने बाजवा साहब के माथे पर पसीना भी आया हो, क्योंकि वो तो जाते हुए ये कह चुका है कि हमारे डीजल नहीं था हमारे जो है मतलब टैंक्स में। और दूसरी बात रही हमारे नबी पाक सल्लम की बारे में बात भी हो गई, तो उन्होंने काफिरों के साथ तजारत की, उन्होंने यहूदियों के साथ की, उन्होंने हर ईसाइयों के साथ की, उन्होंने सबके साथ तजारत की है कि नहीं की है, किया
तजारत होती रही है। तो वो गए तजारती घर से दूसरे शहरों में थे, मुल्कों में थे, शाम में गए, सारे आस पास की कंट्रीज थी, उन्होंने तजारत की है। और एक और बात बड़ी मजेदार है, मैं तो अक्सर कहते उस तरह की बातें करे, मैं आपके साथ चैलेंज करता हूँ, कन्वर्जन देख रहे आप ये लोग ये उठाएंगे कि भाई आप इस्लाम में तो कन्वर्जन जायज है, हम कन्वर्जन नहीं करो। वो भाई किसने रोका है आपको, लगा ले टेल, लगा ले जोर, कर ले कन्वर्जन। हम हमारे तो ये है ना, ये कानून है हमारा, ये कानून है भाई, जिस तरह आप सनातन धर्म का कानून है भाई, हमारे कानून है, हमारे कवानीन है, कवानीन पर चलते हैं, वे ऑफ लाइफ है हमारा भी, कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये आपके दूध से आप बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा ये भी कानून है भी कि आप लोगों को अपने दीन की तरफ लाएं। एक स्कूल या कॉलेज का कोई कानून होता है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते जब उसमें जाते हैं। तो जब आप इस मजहब में आते हैं तो ये आपका कानून आप लागू होता है, आप इस पर उंगली उठा देंगे ये क्यों है, तो भाई आप इस नातन में भी कानून होंगे, नहीं है इस पर, नहीं है। लोक साहब ने जवाब दिया, मैं कब से कह रहा हूं, क्या जब लोग से बात करते हैं मजहब पर तो मैं कहता हूं कि जब कहते हैं आप कैसे हैं, आपका ये सिखाता है, आपका मतलब ये सिखाता, भाई हर क्या आपके सनातन का कोई कानून नहीं है, वो बगैर कानून से चलता है। ईसाइयत क्रिश्चियनिटी क्या कानून के बगैर चलती है? नहीं, कानून के साथ चलती है, जो हर के अपने रूल्स रेगुलेशन। ये वीडियो जो है ना उनको ये टोटा काट कर उनको पहुंचाना जिस तरह आपने दूसरी पहुंचाई हमारे पास, कन्वर्जन जो है ना उन्होंने कहा कि सारे होते हैं इस्लाम चेंज हो रहा है, इस्लाम से लोग भाग रहे हैं, तो इस तरह की उन्होंने बात की कि इस्लाम से लोग जो है सऊदी अरब जो है वो तरक्की कर, सऊदी अरब तरक्की इस्लाम से दूर हटने की वजह से नहीं कर रहा, सऊदी अरब तरक्की ऑयल की वजह से कर रहा है, आज उनसे ऑयल छीन रहे उनकी तरक्की सारा कुछ तो करे भी, उसने खुद भुगतना है। हाँ बिल्कुल, इनसे किसी को यार को बंदा गंदा होने में देखा उसको दूसरे से कोई दूसरे को उससे कोई लेन देन नहीं, उसने खुद भुगतना तो मजहब होती है, हिंदुइज्म से लोग मुस्लिम हो रहे हैं, मुस्लिम से हिंदुइज्म, क्रिश्चियन हो रहे हैं, कितने एक्स मुस्लिम, लेकिन अक्सरियत जो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्लाम मतलब लोग आ रहे हैं ना वो इस्लाम में आ रहे हैं। मैं तो चाहता था इस पर बोले, फिर किसी ने पूछा ना इंडिया ने लड़की, मुसलमान जो है ना वो भी मुसलमान जो है ना इस्लाम को छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं बहुत माइनर होती है, थोड़ी तादाद थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं, हो रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में, अक्सरियत लाखों हो रहे हैं यार, डेली इतने होते हैं हमें पता भी नहीं यार। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो इंडियन जो हिंदू लोग है ना वो हमारे दिन को कितना स्टडी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें से कोई खामी निकाले, कभी हमने भी हमने कभी भी नहीं किया। मेरी आज एंड पर ये भी रिक्वेस्ट है, जो बुरा भला कहते हैं हमारे बातें जो इस तरह की थी, हालांकि मैंने इससे गुरेज करता हूँ, अब मजहब पर सारी बातें तकरीबन आ गई थी इसलिए मैंने ये बातें करना शुरू कर दी। तो वो एंड पर ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो ना एक मुकाबला हुआ था, मैंने एक मतलब पहले वीडियो में कहा विलियम, और क्योंकि जिसके नाम से आपको नफरत है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर जाकिर नाइक, उसने 20 गलतियां निकाली थी, वो छोड़े, उसने 20 गलतियां निकाली थी कुरान पाक से, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी 20 की 20 गलतियों का जवाब दिया था, और साथ में 20 गलतियां फिर उनकी जो बुक है बाइबल से निकाली थी, और वो एक का भी जवाब नहीं दे सका था, और खुद ऑन द एयर पूरे स्टेज के सामने मान के उतरा था कि आप सही बोले, आप सच बोले, मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। सच करना विलियम वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक। मिलते हैं नई वीडियो में, नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।